जी तो सबसे बेस्ट वे जो है यूएसए से पाकिस्तान में पेमेंट मंगवाने का तरीका जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नहीं, आपने सुना होगा वेस्टर्न यूनियन भी है, ट्रांसफर वाइज भी है, सारे हैं। इनका रेट जो है ना वो बहुत कम है, लेकिन जो ऐप मैं आपको बता रहा हूँ वो उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आज हम चेक कर लेते हैं कि USD 2 BKR, ठीक है, USD 2 BKR आज पाकिस्तानी रेट क्या है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो रेट मिल रहा है डॉलर का वो है जी पाकिस्तानी रुपये में 155। बिलीव मी, अगर आप वेस्टर्न यूनियन से जाते हैं तो आपको 154 या 153 मिलेगा। अगर आप ट्रांसफ़र वाइज से जाते हैं तो आपको फिर भी कम मिलेगा। पेपाल से जाते हैं, जिस भी जगह से चले जाए ना तो आपको रेट इससे कम ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं जहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ ये है जी रिमिटली, ठीक है। अब हम जाते हैं रिमिटली ऐप पे, ठीक है, रिमिटली पे जाते हैं। ये देखें आपको जो रेट मिलेगा वो है जी 157 रुपीज़ पर PKR। बहुत अच्छी सर्विस है इसकी। इसमें जो वेस्टर्न यूनियन से आप पैसे मंगवाते हैं आपको 24 आवर्स के अंदर आते हैं पैसे, लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र वाइज से जाते हैं तब भी आपको 1-2 दिन में मिलते हैं पैसे। पेपाल से लेते हैं आपको तो बहुत ही कम रेट मिलता है। आप किसी थर्ड पार्टी से जाते हैं फिर आपको 147 या इतने से मिलता है, ठीक है ना। अब देखो जब आप वेस्टर्न यूनियन से या किसी और जगह से आप पेमेंट ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपका जो सेंडर होता है उसको पेमेंट तकरीबन $3 से $4 आपको वो फीस पे करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको तकरीबन $2 फीस पे करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे क्या है आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, आपको वहाँ पे कैश पिकअप करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। UBL बैंक में, SBL में, अलाइड बैंक, SVB बैंक, अलग किसी भी बैंक में आप पाकिस्तानी बैंक में क्या कर सकते हैं आप इसको पैसे ले सकते हैं। ये आप इंडिया में हैं तो इंडिया से भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या, आपके जो सेंडर हो आपने उसको देना क्या, आपने अपने क्लाइंट को कौन कौन सी डिटेल देनी है, आपने जो अपनी क्लाइंट डिटेल आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, ठीक है, आपने अपना नाम और एड्रेस दे देना है उसको, ठीक है। और अपना जो है ना अपना बैंक बैंक अकाउंट जो है उसमें IBN नंबर होगा। ये सारी चीज़ें वैसे ऑप्शन होती हैं, आपने अपनी चीज़ें क्या देनी है, आपने सिर्फ अपना नाम देना है, बैंक का नाम देना है और IBN नंबर जो कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है। या अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना क्या करें, बैंक अकाउंट लें, बैंक अकाउंट जो आपके पास होगा आप उसी बैंक की वेबसाइट पर जाए चले जाएँ और वहाँ कहें लिखें कि भाई ये IBN जनरेटर फॉर HBL जैसे, तो आपको वहाँ पर बैंक अकाउंट इंटर करेंगे। आपने क्या करना है अपना वहाँ से IBN लेके आना है, IBN नंबर, और ये तीनों चीज़ें अपना नाम, अपने बैंक का नाम और अपना जो है ना IBN नंबर, ये आपने अपने क्लाइंट को दे देनी है। और उसने क्या करना है जी यहाँ पे आके उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अकाउंट बनाने के बाद जो है ना वो आपको यहाँ से उसको कहेगा कितने ट्रांसफ़र करने हैं और आपकी डिटेल देगा, और विद इन 10 सेकंड या 2 मिनट के अंदर आपके पास पे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी मंगवाए हुए हैं पैसे, ठीक है ना, काफ़ी दोस्तों ने भी मंगवाए हुए हैं, USA से और UK से हमने पेमेंट मंगवाई हुई है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 मिनट या 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट आ जाती है, बाकी किसी भी जगह के बहुत ही जल्दी पेमेंट आ जाती है और बहुत अच्छा रेट मिलता है आपको। देखो मैंने गूगल पे आपको दिखाया था 155 रेट था और यहाँ पे आपको रेट क्या मिल रहा है, 157। एक तो रेट आपको ज़्यादा मिल रहा है और आपकी पेमेंट जो है वो बहुत जल्दी आपके पास आ रही है, ठीक है। कोई इतने इसमें इतना बड़ा सीन नहीं है। कभी कभी ये जो ना जो सेंडर होता है उससे वेरिफिकेशन मांगती है, यानी कि ID कार्ड सबमिट करता है और विद इन 2 to 3 मिनट जो है ना उसका ID कार्ड भी अप्रूव हो जाता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हो जाता है, ठीक है। देखो आपको जो पेमेंट सेंड करा उतना तो आपके लिए करेगा, जैसे उसने अकाउंट बनाया तो आपको पेमेंट सेंड कर देनी है, ठीक है। ज़्यादा फीस भी कम है, ठीक है, रेट भी ज़्यादा है और पेमेंट भी आपको जल्दी मिल जाती है। UK USA पेमेंट ये 100% वेरीफाइड है।